नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीकेआर किचन में। मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित, फिर हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाए हैं राजस्थान की प्रसिद्ध मंगोड़े की सब्जी, जो कि आज हम एक अलग स्टाइल में बनाएंगे। समर स्पेशल हम मंगोड़े की सब्जी बनाएंगे, तो उसमें हम दही का यूज करेंगे, यानी कि आज हम बना रहे हैं दही वाली मंगोड़े की सब्जी। तो उसके लिए मैंने ले ली है ये मूंग दाल बड़ी, जिसको मंगोड़े भी बोलते हैं। ये घर की बनी हुई मंगोड़ी है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, 2-3 मिनट में ये पक के तैयार हो जाती है। अगर आप मार्केट वाली मंगोड़ी ले रहे हैं तो फिर उसको आप कुकर में 1 सीटी लगा के पकाएं। तो पहले इसको हमको उबाल के तैयार करना है दही वाली मंगोड़ी की सब्जी बनाने के लिए, तो इसको हम पहले उबाल के तैयार कर लेते हैं। तो मंगोड़ी को हमें पहले बॉईल करना है, तो उसके लिए हमने पहले पानी ले लिया है, तो आधा कप के करीब हमको इसमें पानी लेना है। और मंगोड़ी को हमें टुकड़े नहीं करना है, मंगोड़ी को हम बिल्कुल साबुत ही रखेंगे। तो पहले एक बार पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ गया है, तो ये मूंग की बड़ी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हम 2-3 मिनट ही पकाएंगे, क्योंकि ये घर की बनी हुई मंगोड़ी है, तो 2-3 मिनट में ये सॉफ्ट होकर तैयार हो जाएगी। मंगोड़ी हमारी बॉईल हो रही है, तब तक हम सब्जी की ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने हल्का सा खट्टा 1 कटोरी के करीब फैटा हुआ दही ले लिया है, इसको थोड़ा सा फैट लिया है हमने, और इसमें हम ड्राई मसाले मिला लेंगे। तो 1/2 चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर। अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च को थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये 1 से 1.25 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर इसमें लगभग हमें 2 चम्मच के करीब डालना है, थोड़ा ज्यादा ही रखना है ताकि सब्जी में गाढ़ापन आएगा और टेस्ट भी काफी अच्छा आता है इसका। और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, इसको अच्छी तरीके से एक बार मसालों को दही में हम मिक्स कर लेंगे। दो तीन मिनट में ही मंगोड़ी हमारी बॉईल होकर रेडी हो गई है, तो बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गई, दबा रहे हैं तो बिल्कुल 2 पीस हो रहा है बड़ी का। इससे ज्यादा हमको नहीं पकाना है, बहुत ज्यादा गलाएंगे नहीं बड़ियों को। तो अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो मंगोड़ी की सब्जी बनाने के लिए हमने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, और ऑयल को पहले हम गर्म होने देंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब राई डाल देते हैं, और राई को अच्छी तरीके से इसमें तड़कने देंगे ऑयल में। राई के फ्राई हो जाने के बाद 1/2 चम्मच इसमें जीरा ऐड कर लेंगे। जीरे को भी अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे थोड़ा ऑयल में। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और 1/2 चम्मच के करीब इसमें हम हींग डाल देंगे। बड़ी की सब्जी में हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डाल देंगे 6-7 कलियां एकदम बारीक कटी हुई लहसुन की, और हल्का सा इसको फ्राई होने देंगे। लहसुन को बहुत ज्यादा इसमें जलाना नहीं है, हमको डार्क नहीं करना है बहुत ज्यादा, बस हल्का सा फ्राई हो जाए थोड़ा। अब इसमें हम डाल देंगे 6-7 बारीक कटे हुए करी लीव यानी कि कड़ी पत्ता, और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली सब्जी है, और बहुत कम सामग्री में और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रेसिपी को आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, और ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो लहसुन, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता को थोड़ा सा हमने ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब ये जो दही में हमने ड्राई मसाले को मिक्स करके रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर लेते हैं। और इसको ऐड करते ही तुरंत हमको इसको लगातार चलाते हुए पकाना है, तब तक ये दही एकदम सूख ना जाए मसाले में, क्योंकि इसको लगातार अगर हम चलाएंगे नहीं तो दही फट जाता है कई बार। थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर लेते हैं, मीडियम कर लेते हैं थोड़ा स्लो से।
और इसको थोड़ा सा हम चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं मसाले को। ये 2-3 मिनट पकाने के बाद मसाला काफी गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो इसको 1-1.5 मिनट के लिए हम थोड़ा और पका लेते हैं। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम पक चुका है। इस तरीके से हमारा मसाला एकदम पकना चाहिए, ऑयल एकदम मसाले के ऊपर आ जाना चाहिए एकदम, और इस तरह की एकदम जाली पड़ जानी चाहिए मसाले में। तो ये हमारा परफेक्ट मसाला भुन के तैयार हो गया है। इस तरीके से अगर आप मसाले को भुनेंगे तो सब्जी का कलर बहुत शानदार आएगा और टेस्ट भी काफी अच्छा आएगा। तो सब्जी का जो कलर और टेस्ट है वो मसाले की भुनाई पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा मसाले को फ्राई करेंगे उतनी ही बढ़िया सब्जी बनके तैयार होती है। तो अब इसमें हम ये उबली हुई बॉईल जो बड़ी है मंगोड़ी वो ऐड कर लेंगे और इसको एक बार थोड़ा मसाले में मिक्स कर लेते हैं। सारा जो मसाला है वो बड़ी के ऊपर कोट हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से। मसाले के साथ इसको थोड़ा 1 मिनट फ्राई कर लेते हैं ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो सारा बड़ी के अंदर तक चला जाए। तो अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी पसंद नहीं है, सूखी सब्जी खाना पसंद है, तो इस तरीके से सूखी सब्जी भी बना सकते हैं। इसको 1-1.5 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लें और हरा धनिया डाल दें तो आपकी ये सूखी बड़ी की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनाएंगे। तो इसको हमने मसाले के साथ अच्छे तरीके से भुन लिया है। अब इसमें हम ग्रेवी के हिसाब से गुनगुना पानी ऐड करेंगे। तो जितनी आपको ग्रेवी पसंद है सब्जी में उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें। तो ये 1 से 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। पानी को अगर आप थोड़ा सा गुनगुना या गर्म रखेंगे तो सब्जी का कलर काफी अच्छा आएगा और सब्जी में फटाफट से उबाल भी आ जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये 1 से 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला है। अपने हिसाब से आप थोड़ा सा ज्यादा या कम कर सकते हैं ग्रेवी को। और इस वक्त अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी को टेस्ट करके इसमें नमक भी बैलेंस कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा और मिला लें। तो अब सब्जी को हम ढक कर 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये 2 मिनट हमने सब्जी को पका लिया है तो फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। सब्जी हमारी बिल्कुल पक के रेडी हो गई है और अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको थोड़ा सा एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि सब्जी अच्छी तरीके से सेट हो जाती है, सब्जी का जो कलर है, जो भी ऑयल मसाले हैं वो सब्जी के ऊपर आ जाते हैं तो सब्जी दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो 2-3 मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो ये 2-3 मिनट के बाद में हमारी दही वाली मंगोड़ी की सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही शानदार इसका कलर आ गया है। तो रेसिपी को ट्राई जरूर करें, पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर भी करें। और भी इसी तरीके आप नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।